मैं किसी भी दिल्ली मेट्रो में नहीं हूँ, मैं अपने जम्मू की ई बस में हूँ। ये ई बस जो है वो लोगों के लिए लाई गई थी ताकि लोग जो है वो इस बस में बैठे और इसकी सेफ्टी देखें और अपने आप को सिक्योर महसूस करें। अभी तो नए जमाने की गाड़ी है, इसमें बिल्कुल पूरी फैसिलिटी है। इसमें एसी है गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए हीटर है और सीट बहुत अच्छी है। गाड़ी में साफ़ सफाई बहुत है। इसमें कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं जो पूरी निगरानी रखते हैं सवारी की। अभी मैं यहाँ पर तवी फ्लाईओवर से गुजर रही हूँ और व्यू की बात करें तो व्यू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आपको ऐसे लगता था कि जम्मू में ऐसी सब चीज़ें जो है वो नहीं होंगी, लेकिन ये अपना जम्मू है, हमारा जम्मू है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि जम्मू के लोग जो हैं वो खंड मिठे लोग डोगरे, तो उनके लिए सारे फीचर जो हैं वो यहाँ पर लाए हैं। और गाड़ी के सबसे ऊपरी अगर आप देखें, रूफ पर अगर आप देखें, तो देखिए सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, यानी आप हर एक चीज़ में अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। और देखिए जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उसमें जो है पूरी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड होती है। और सामने भी जो देखिए यहाँ पर आपको पाथ दिख रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ से जा रही है, साथ में जो है वो ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बस बाकी बसेस से अलग क्यों है, यहाँ पर स्टॉप बटन है और यहाँ पर देखिए हेल्प का बटन है, यानी आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए आप इस बटन को दबा सकते हैं। फिर देखिए इस बटन को दबाने के बाद क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, मौसम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ जो है आपको आज जम्मू सिटी का टूर करवाया जा रहा है। और जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर मैंने हेल्प की बात की, इस तरह के स्टैंड्स की बात की जो अमूमन आपको अब गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। ये वो स्टैंड है कि आप इसे पकड़ कर जो है वो खड़े हो सकते हैं। और ये इस तरह के बटन हैं, स्टॉप का, हेल्प का, पैनिक बटन है। और जब यहाँ से आप हेल्प के बटन को दबाते हैं तो आपको जो है वो ज़रूर हेल्प यहाँ पर मिलती है, तो आपको एक टूर जो है वो यहाँ का ज़रूर करवाएंगे। तो बिल्कुल भी मैं आज कहीं नहीं गई हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं चली गई हूँ, मैं अपने जम्मू से ही जो आपको कवर करके दिखा रही हूँ। और आज जिस तरह से सोचा कि चलिए आज हम भी जो है इस बस में चलते हैं, अगर जम्मू के लिए कोई नई चीज़ आई है पहले उसे खुद ट्राई करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि ये बस कितनी कम्फर्टेबल है, कितने सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसमें और कितनी सेफ्टी है यहाँ पर महिलाओं की। क्योंकि आजकल जब बच्चियाँ घरों से बाहर निकलती हैं तो माँ बाप जो है वो बहुत चिंता करते हैं, तो ऐसे में आप अपने माँ बाप से इसकी लाइव लोकेशन भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, आप कहाँ पर पहुँचे हैं उनके बारे में भी जो है जानकारी दे सकते हैं। तो पूरी तरह से जो है ये कंट्रोल होती है और इसका कंट्रोल रूम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है आप देखिए पूरी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से बाहर दिखाई दे रही हैं कि क्या क्या जो है वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और कंफर्टेबल, जितनी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, सीटिंग कैपेसिटी से लेकर हर एक चीज़ जो है वो मोर कम्फर्टेबल है इसमें से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये बस कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है? ये तो अभी तो नए ज़माने की गाड़ी है, इसमें बिल्कुल पूरी फैसिलिटी है। इसमें एसी है गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए हीटर है और सीट बहुत अच्छी है। गाड़ी में साफ़ सफाई बहुत है। इसमें कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं जो पूरी निगरानी रखते हैं सवारी की। अगर सवारी को कोई प्रॉब्लम हो वो कंप्लेन कर सकती है, तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल के अगर किसी ने कंप्लेन की है तो सब कुछ देख सकता है। अगर आप गाड़ी में हैं तो बिना फेयर दिए तो आप आगे जा नहीं सकते। आपको अपना किराया किस तरह से कटवाना है ये हम इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी, किस तरह से हम जो है वो अपनी टिकट ले सकते हैं? इसमें दो मोड, तीन मोड से टिकट्स ले सकते हैं। वन इज़ कैश, दूसरा है मोबाइल से और तीसरा आप UPI से और चौथा हमने एक कार्ड इंट्रोड्यूस किया है जम्मू और यस, ये जम्मू कश्मीर का चलो कार्ड है, जम्मू सिटी के लिए ये चलो कार्ड है। तो इसको बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसको आप अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग इन बस उसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं कहीं जहाँ पे NCMC कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो आप अगर कोई भी टिकट लेते हैं, जैसे कंडक्टर के पास आप जाते हैं, अगर आप कोई भी टिकट लेते हैं तो ऐसे करके एक स्क्रीन आपको दिखेगी जैसे कंडक्टर स्टार्ट करता है अपनी ट्रिप। तो अभी हम जब देखेंगे कि हम जम्मू डिपो से निकले हैं, तो डिपो से हम पहला स्टॉप अगर भगवती नगर डालें तो इस पर आपको कैश, मोबाइल और कार्ड, ये सारे ऑप्शन आपको पहले ही दिख जाएंगे। और जैसे ही आप कैश का बटन दबाएंगे तो इसमें आपको एक टिकट निकल जाएगी। तो इसमें आपके टिकट में सारी डिटेल्स रहती हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितना टिकट अमाउंट है। इन केस आपको कोई इशू है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी इसी टिकट में आता है। तो पूरी सुविधा एकदम कस्टमर्स को दी जाती है इस बस के थ्रू। मुझे आप बता सकते हैं फेयर कितना है? फेयर स्टार्टिंग फेयर जो है यहाँ पे 10 रुपीज़ है, 0 to 2 किलोमीटर का 10 रुपीज़ है।
देन उसके बाद इंक्रीजिंग रहता है वो 2 to 4 किलोमीटर या 5 to 10 किलोमीटर ऐसे करके इंक्रीज होते होते वो 40 तक जाता है। जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव जी हमारे साथ। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है आपने आम पब्लिक के लिए लिया है, कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती थी, अब जो है वो नहीं होगा, तो आप बताइए कि बस जो है कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल, कितनी रिलायबल जो है वो लोगों के लिए रहेगी आने वाले समय। देखिएगा हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ये जो है एक प्रोजेक्ट ई बस इसका स्टार्ट हुआ और जिसमें जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड इन बसेस को ऑपरेट कर रही है और इसका मकसद ही जो है इस प्रोजेक्ट का ये है कि हम एक रिलायबल एंड कंफर्टेबल बस सर्विस प्रोवाइड कर सकें एक जो है एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। सो जो आप इस समय आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि बस जो है बहुत ही ये कंफर्टेबल है, सस्पेंशन इनके काफ़ी अच्छे हैं, उसके साथ ही अगर आप नॉइज़ की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर, जो आपको जो नॉइज़ आएगी वो केवल एयर वेंट की ही आएगी कि जो क्योंकि HVAC है जो है हमारा इस समय जो है वो हीटिंग एंड इस समय जैसे सर्दी का मौसम है तो इस समय हीटिंग चल रही है तो आपको एयर वेंट की ही आवाज़ आएगी, बट बस के प्लाई करने की बस की मोटर की कोई आवाज़ नहीं है। तो बहुत ही कंफर्टेबल बस सर्विस हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले समय में जो है कि जो हम इसको और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कि जिसमें आप हमारी बसेज जो है उनकी लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप अपनी राइड को चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट आप लाइव ट्रैकिंग हमारी किसी भी बस का कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बस स्टॉप पर नेक्स्ट बस कब आने वाली है, कौन से रूट पर बस अवेलेबल हैं, वो ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अवर चलो ऐप, वहाँ पर अवेलेबल है और आप QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल जो है वो टिकट ले सकते हैं और उसके साथ साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उसको यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं और अगर आप डिजिटल माध्यम का यूज़ कर पेमेंट करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फेयर की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक कितना फेयर है, कितने किलोमीटर के लिए कितना? देखिएगा इसमें जो है हमारे स्टेज फेयर्स हैं हमारे कि जिसमें हमारा 0 to 3 किलोमीटर की रेंज में हमारा 10 रुपया फेयर रहेगा, फिर 3 to 5 किलोमीटर की रेंज में हमारा जो है वो 15 रुपये फेयर है, उसके बाद जो है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लैब जो है वो 20 रुपये का है। सो अफोर्डेबल ही रखने की कोशिश की गई है उस पूरे फेयर को कि जिसमें बहुत ज़्यादा बर्डन लोगों के ऊपर ना पड़े तो और उसके साथ साथ एक अफोर्डेबल और जो है उसके साथ साथ लेकिन कंफर्टेबल बस सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें। सर जिस तरह से हमने ये देखा है कि 100 बसेज आने वाली थी तो अभी कितनी चल रही हैं और कितनी रेस में आने वाली? देखिएगा हमारे पास हमारी 75 बसेज जो हैं वो 9 मीटर की थी, हमारी 75 की 75 बसेज 9 मीटर बसेज जो हैं वो आ चुकी हैं, उसके बाद जो हमारी 25 बसेज जो हैं वो 12 मीटर की आनी थी, उसमें से हमारी 13 बसेज जो हैं वो 12 मीटर की भी जो है वो अराइव हो चुकी हैं। आज हमारा STA अप्रूवल बेसिकली पेंडिंग था तो वो हमें जो है वो मॉडल का अप्रूवल भी जो है वो आज मिल गया है 12 मीटर बसेज का, तो इनका जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ये भी हमारी जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये सारी बसेज जो हमारी जो बची हुई 12 बसेज जो बची हैं 12 मीटर की वो भी हमारी नेक्स्ट 15 डेज में जो है 15 to 20 डेज में मतलब 20 फरवरी से पहले पहले हमारी ये सारी बसेज आ चुकी होंगी और हम इनको अप्लाई करना जो है वो लॉन्ग रूट पर भी स्टार्ट कर देंगे। हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा जो है 25 जनवरी को इन बसेज को फ्लैग ऑफ किया गया था, फर्स्ट जो है वो 25 और 26 को हमारी जो है वो 6 बसेज चली, उसके बाद हमने इन बसेज का नंबर इंक्रीज़ कर 22 बसेज कर दिया, इस वीक हमारी 22 बसेज चल रही हैं, नेक्स्ट वीक से हमारी इसमें हम 22 बसेज और ऐड करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीक से 44 बसेज चलेंगी, उसके नेक्स्ट वीक में हम फिर से 22 बसेज और ऐड करेंगे, सो एक मंथ के अंदर अंदर हमारी जो है हम 100% कैपेसिटी पर अपनी बसेज को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी की ई बस का टूर जो है वो हमने कर लिया, हमने आपको जम्मू में बैठे बैठे फॉरेन वाला फील भी करा दिया और आपको लगा होगा कि आज हम मेट्रो में चले गए हैं। यकीन मानिएगा ये ई बस किसी मेट्रो से कम नहीं है। अगर आपको भी इसका नज़ारा लेना है तो पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से लेंगे। बिल्कुल अब आपको कहना बनता ही है और आप भी हमें ज़रूर कहेंगे कि जम्मू की ई बस में बैठकर आपको आता है मेट्रो वाला फील। तो आज हमने आपको एक टूर विजिट करवाया पूरे जम्मू शहर का, इसमें बैठकर आपको कैसा लगा ये टूर हमें ज़रूर भेजिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में।